Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. चल यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल यार नबील तुम्हें क्या लगता है आज के एपिसोड में कौन होगा यार महमूद साहब मुझे लगता है मेरी कोई पुरानी महबूबा या कोई पुरानी दोस्त आएगी अब की बार इस एपिसोड में अगर कोई तुम्हारी जानने वाली तुम्हारी महबूबा आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नबी अरे भाई मेरी भी तो पुरानी बहुत सी जानने वाली दोस्तें हैं वो क्यों नहीं आती महमूद साहब बेसिकली हुआ क्या है कि आपकी जो पुरानी दोस्तें हैं ना वो तकरीबन अब दादियां नानियां पोतों वाली नवासों वाली बन चुकी हैं कुछ तो व्हील चेयर पे हैं कुछ से चला नहीं जा रहा तो वो कैसे आ सकते तुम्हारी भी पुरानी दोस्तें जो है ना वो धुआं धुआं हो गई होंगी ओए गोगे तू ओए तू तो जेल में था और जेल में था नहीं तुम लोगों ने मनुष्यत का झूठा इल्जाम लगा के मुझे अंदर करवाया था अच्छा चलो हो छोड़ो ना ये बताओ कि जेल में कैसी गुजरी सब ठीक ठाक था ना ओए जेल की सूखी रोटियां खा खा के तंग आ गया हूँ अब अपना हक लेने आया हूँ चलो फिर अपना हक भी लेना और हमारे लिए भी लेते आना चलो अरे मैं खाना लेने के लिए नहीं आया हूँ हक लेने आया हूँ इस घर में हिस्सा है मेरा तुम लोगों को भी देख लूंगा बड़ी ज्यादती की है तुम लोगों ने मेरे साथ किन किन के बदले लूंगा तुमसे किन किन के किन किन के या नबील यार ये गोगे के इरादे को ठीक नहीं लग रहे मुझे और यार मैं मुसा होगा ये गोगा मोगा तो होगा यार हमने भी बड़ो बड़ो को नानी याद करा दी है यार हमने बड़ो बड़ो को याद करवाई है वो नानी है हाँ जी अच्छा जी एहतियात माँ जी और खूबसूरत को भी बता दे इसके इरादे चलो आज चलो आ जाओ ओए गोगे वो तो फिर आ गया थे आ गया हूँ पर जाने के लिए नहीं ये फरमाइए कि कितने दिन का कयाम होगा यहाँ आपका हमेशा के लिए अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूँ हाँ। ना केड़ा हिस्सा जानू गोगा अपना हिस्सा लेने आ गया है इसके पापे की जदाद में से गोगे का भी हिस्सा है नहीं मोमो अरे गोगा जोजी से हिस्सा लेने आया इस घर का और केड़ा हिस्सा मांग रहे हैं अब्बा जी ने भी तुझे बेदखल कर दिया था तेरी इन्हीं बदमाशियों की वजह से वही मैं 6 महीने के लिए जेल क्या गया तुमने मेरे हिस्से की जमीन बेच दी मैं अब अपना हक लेने के लिए आया हूँ जनाबे मोहतरम आज तक हमें तो हमारा हक मिला नहीं आपको क्या खाक मिलेगा मुस्तकीम जी भाई हमें उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए बहन भाई का मैटर है खुद ही सॉल्व कर लेंगे अरे जानो अगर हम नहीं बोलेंगे तो एपिसोड कैसे कंप्लीट होगा भाई और ये मत भूलो कि पिछली मर्तबा हमने गोगे को जेल में डलवाया था वो बदला तो हमसे लेगा कहीं अब गोगा गोगी की किसी ना मरोड़ दे चले श्वाक नीचे चले चल 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 देख हो गया मैं तेरे एक बार क्या देता कि तेरा इस घर कोई हिस्सा नहीं और क्यों नहीं है मेरा हिस्सा अप्पे ने जो मेरे नाम जमीन लगाई थी ना वो तूने बेची है और उन पैसों से ये घर खरीदा है मेरा हिस्सा तो बनता है ना ते तुझे जेल से निकालने के लिए थैले भर भर के जो मैंने वकीलों को पैसे दिए वो भूल गए ठीक है जेल से निकलवा दिया ना अब मेरा हिस्सा दे दे वरना मैं बदमाशी से भी निकलवा सकता हूँ भाई जॉजी बेगम की बदमाशी के सामने बड़ा बड़ों के बदमाशी नकारा है क्यों जॉजी बेगम तू तो चुप कर देखिए गोगा साहब आप इस तरह जोजी आंटी को धमकी नहीं दे सकते वो अकेली नहीं है तो कौन आएगा मेरे सामने बोलो गोगिया तुझे तो मेरा शेर कल ही संभाल लेगा माँ जी ने आपको शेर कहा है मुझे नहीं कहा मुझे तो वो उड़ने वाला सांप कहती है शेर तुम्हें कहा है बस 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ अच्छी तरह सोच लो वरना घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी भी आती है मुझे समझे तुम लोग और इस बार तो हमने आपकी लड़ाई में आना ही नहीं है भाई आप बहन भाई जो भी सेटल करें लेकिन हमें घर से मत निकाले प्लीज ठीक है एक शर्त है क्या तुम लोग जोजी को इस घर से निकालने में और इस घर पे कब्जा करने में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम लोगों को इस घर में रहने दूंगा देखिए डन हो गया मैं तो कहता हूँ महमूद साहब डन 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 कर देते हैं डन 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 डन
बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ पड़ी है हम पे। आप लोग परेशान ना हो, हम मिलकर कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे। ले चार जुए तो मेरे सिर से निकाल नहीं सकती, जो सलूशन निकालेंगे। प्लीज माजी। चल ठीक है जितना, प्लीज प्लीज तू कह रही है तो मैं उस गोगे को सबक सिखाई दूंगी। किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, चलो उठो चले। चलो तुम भी चलो। क्या हो गया है नबील, नजर नहीं आ रहा तुम्हें जोजी आंटी कितनी परेशान है। अरे भाई इनका आपस का मसला है, ये खुद ही निपटेंगे। चुपे, कितने वो हैं आत्मनवर, हमें जोजी आंटी का साथ देना चाहिए। नहीं आंटी तेरा बोल। हजरात आप तो हमारे अपने हैं, हम अकेले नहीं लड़ सकते गोगा से, हमारा साथ दीजिए। देखिए मुस्तकीम साहब, हमने पराए फड्डों में टांग अड़ाना छोड़ दिए, अब हम लोग जो है वो बहुत शरीफ हो गए। भाई ये शराफत का चोगा इसी आज वाले एपिसोड में ही उड़ना था आप लोगों ने। हाँ जी चलो चलो मामा, चलो 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 मुस्तकीम जी, हम समझ गए ऐसे मौकों पर आप चाय पीती है कड़क किस्म की, अगर कहें तो दो कप बना लाए एक अपना। चल बना ले दूध ना पाई। अच्छा अपनी चाच। अच्छा दूध पत्ती मेरे लिए। अरे मुस्तकीम के बच्चे उठ निकल बाहर कमरे से। अरे ये आप हमसे किस लहजे में बात कर रहे हैं, ये तर्ज तकल्लुम हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर को हम आपके दूल्हा भाई हैं। दूल्हा भाई सीधी तरह कमरे से बाहर निकलो, वरना घोड़े की जगह गधे में बिठा के रुखसत करूंगा। इस कदर बदतमीजी, भाई हमें जलाल आ रहा है। जलाल भाई, जलाल आए या बिलाल मुझे क्या फर्क पड़ता है, निकलो यहाँ से। जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, देखिए आपके भाई साहब हमें कमरे से निकाल रहे हैं। ओए वेख होई गोगे, मुझे मजबूर ना कर, मैं कह रही हूँ सीधा पिंड वापस चला जा, मेरा दिमाग घूम गया ना। ओए ओ तू मुझे धमकी दे रही है गोगे को? सिर्फ धमकी तुमकी नहीं दे रही, पुलिस भी बुलवाने लगी हूँ। बुला ले पुलिस, मैं भी देखता हूँ इस बार पुलिस मेरा क्या करती है। चल मुस्तकीम बाहर जरा फटाफट, जो हुक्म जो हुक्म। दिमाग खराब किया हुआ है। जी जोजी बेगम, आपने फोन किया था थाने में? जी जी हाँ जी। बताएं क्या मसला है? मसला मेरा भरा है, फौरन उसे गिरफ्तार कर ले। एक सेकंड तवक्कुफ फरमाइए, हम अभी बुलवाए लेते हैं। गोगा भाई, गोगा भाई जान तशरीफ लाइएगा। गोगा भाईजा, और क्या बात है, इतने अरसे के बाद जेल के ठंडे फर्श पे सो के अच्छा बिस्तर मिला था और तुम लोगों ने फिर मुझे जगा दिया। बदमाश लगता है, क्या किया इसने? जी ये हमारे घर पर कब्जा करने की कोशिश फरमा रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना हक ले रहा हूँ। ओ तो ये मामला था, तो इसमें पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी? ये मामला पुलिस का नहीं कोर्ट का है। अच्छा ये बताएं ये घर किसके नाम है? मेरे नाम है, मेरे नाम। ओ इसमें हिस्सा मेरा भी है जनाब। ओ मैं समझ गया, ये तो आप दोनों बहन भाइयों का आपस का मसला है, ये तो कोर्ट ही हल करेगी। हाँ अगर लड़ाई झगड़े में किसी का खून हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज़। पुलिस बुलवाई है ना तुमने, अब तुम लोगों को तो मैं निकाल के ही दम लूंगा, देखते रहना। भाई नबील मियां और महमूद साहब ने तो आंखें माथे पे रख ली। चल झूठे, उनकी आंखें अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, मैंने खुद देखी हैं। नहीं मोमो, इनका मतलब है कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे। जोजी आंटी आप पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? बुलाया था ना, पर उसने साफ साफ कह दिया कि तुम लोगों का आपस का मामला है, वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो तब गिरफ्तार करेगा जब जोजी बेगम के टुकड़े टुकड़े करके इनको कत्ल कर देगा। हाँ तो करने दे कत्ल, जोजी की कुर्बानी देंगे तो घर तो बच जाएगा ना, तो फिर हम सब लोग सुकून से रहेंगे। जी हाय रब्बा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं कितने जा मंजी कितने डा। जोजी आंटी हम मिलके कुछ सोचते हैं, आप फिक्र ना करें। चलो भी सोचो। ओए इधर आओ इधर आओ। तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम लोग मेरी तरफ हो। हाँ भाई तेरी तरफ ही तो है, इसलिए तो अभी तक जोजी बाजी को हमने एक भी मुफ्त मशवरा नहीं दिया। हाँ। जोजी ने पुलिस बुलवा ली थी। क्या फिर क्या? पुलिस ने कहा कि ये मामला तो कोर्ट का है, कोर्ट में जिसके पास कागजात होंगे
घर उसका है। अरे लेकिन घर के कागजात तो जोजी जी के पास है। ओए कागज तो मेरे पास भी है। ओ भाई तुम्हारे पास कागजात कहाँ से आ गए? ओए मैंने जाली कागजात बनवाए हैं। तुम लोगों ने अब अपना काम करना है। कैसा काम? ओए तुम लोगों ने घर के असली कागजात चुरा के मुझे देने। ओ भाई बड़ा मुश्किल काम है, पकड़े गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। 50 में डील डन करते। 50,000 कुछ काम में 1,00,000 में करते हैं नबीर। क्या हो गया आपको? मैं 50,00,000 की बात कर। ओए 50,00,000 ये तो बहुत ज्यादा भाई। 50,00,000 के बदले इतनी बड़ी जायदाद तुम्हारे हाथ आएगी, देख लो तुम्हारी मर्जी है, सोच लो। ओ चलो ठीक है ठीक है, मंजूर है मुझे। डन है? डन। अच्छा हुआ नबील तुम लोग आ गए, अभी पुलिस होकर गई है। जानो अल्लाह की कसम मैंने इस बार कुछ नहीं किया। यकीनन महमूद साहब के पीछे आई होगी यार, इनका मुंह ही बदमाशों वाला है। नबील मियां पुलिस हमने बुलवाई थी गोगा के लिए, मगर वो उन्हें कुछ कहे बगैर ही रुखसत हो गए। भाई जाहिर है कागजात है घर के उसके पास, उसे पुलिस क्या कहेगी? हैं? नहीं नहीं कागज तो मेरे पास है। लेकिन कागजात तो उसके पास भी हैं, हम अभी देख कर आ रहे हैं। भाई तो पुत्र कागजात तो मेरे पास भी बड़े हैं, इसका मतलब इस घर में मेरा भी हिस्सा है। माँ जी वो घर के कागजात की बात कर रहे हैं। चुप है, पहले नहीं बता सकती थी, बिस्ती करा दी मेरी। जी आप कागजात ले आइए, जिसके पास घर के ओरिजिनल कागजात होंगे घर उसी का। बिल्कुल सही है। ये केड़ी बड़ी गल है, उड़े लेके आते हो, चले मुस्तकीम चल आ जा। आइए आ जा, जो है जो शीतल होगा। इसके पास ओरिजिनल कागजात है, घर उसका हुआ। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार, चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार। भाई मैं लूटी बर्बाद होगी, चोरी होगी, मेरे कार चोरी होगी। और सुन रहे कोई, और मदद कर दे आके, चोरी होगी। आपको हम पे जरा भी भरोसा नहीं? अकीन मानिए, हमारी सिर्फ जो मार्कतुल आरा शायरी है ना, उसी से भरे हुए कागजात हमारे पास है बस। सारे ड्रामे बंद करो, अब बात क्लियर हो गई है। मेरे पास कागजात है, तुम लोगों के पास नहीं है। चलो शराफत से ये घर खाली करो, चलो। मैं ना, मैं अदालत जाऊंगी देखना। ओए कागजात तो मेरे पास है, अदालत ने तो पहली सुनवाई में मेरे हक में फैसला दे देना है। फिर मैंने धक्के दे दे के ना तुम लोगों को निकालना है। सोच लो तुम लोगों की कितनी बेइज्जती होगी। हजरात आप कुछ तो कीजिए। मैं ना कपड़े पैक कर दूंगी तो जमीला रास्ते के लिए मूली के परौंठे बना देगी। क्यों जी? हमारा मतलब ये है कि इनसे कुछ कहिए ना, आखिर को हम आपके मालिक के मकान हैं। अब माल मकान आप नहीं है, अब तो गोगा भाई जान है। नबील बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब मालिक मकान गोगा जी हैं, और अब इनकी चलेगी जिस तरह पहले जोजी जी की चला करती थी। जोजी बाजी ना रोए, अल्लाह की कसम हम सबका हासा निकल जा रहा है। आप लोग वैसे याद बड़े आएंगे मुझे। अरे मुमताज बहन ये हमारा है। वैसे आप लोग जाएंगे किधर? अब तो तमाम रिश्तेदारों को खबर हो गई होगी कि हम सड़क पर आ गए। उस मनाउस गोगे ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। याद आया, हमारी एक मामूजाद बहन है, हम उनके घर चले जाते हैं। क्यों क्यों चले जाते हैं? मैंने कोई नहीं जाना रक्षंदा के घर, इनकी सबका मंगेतर थी वो। अरे भाई हम तो सड़क पे भी सो लेंगे। हाय पर खाएंगे क्या? मुझे तो भीख भी नहीं मांगनी आती। वो हम सिखा देंगे आपको। तू फिक्र ना कर जोजी बहन, मैं ना बच्चा कुछ खाना तुझे दे दिया करूंगी। बच्चा कुछ क्यों, हम खाना ज्यादा बना लेंगे। वैसे तो तू बोटियां और बुर्कियां गिनती है, तो अब तू ज्यादा खाना बना लेंगे। आए जी कैसे दिन आ गए हम पे, टगे टगे के लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। वैसे जूटी बाजी ये जो आपके काम वाले कपड़े ना, ये मुझे दे जाए। देखे ना ये पहन के जाएंगे, इसमें तो भीग भी कोई आपको नहीं देगा। ओ यार गोगा जल्दी बताओ क्यों बुलाया हमें। ओ यार तुम लोग मुझे घर के कागजात तो दो ना मेरा भाई।
बुलबुले में इतनी दो नंबरियां कर करके अब हम बहुत पक्के हो गए। क्या मतलब भाई? मतलब ये कि अगर अभी हमने तुम्हें कागजात दे दिए तो तुम तो हमें घर से बाहर निकाल दोगे। वो भी ठूटे मार के। यार तुम लोग मुझे कागजात दोगे तो मैं ये घर बेचूंगा ना, मेरे पास 50 लाख रुपए कहाँ से आ गए? ओ भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये 7-8 करोड़ की है, किसी से भी 50 लाख एडवांस पकड़ो, हमें दो और हमसे कागजात लो। हाँ, और तब तक कागजात जो है वो बहुत महफूज जगह पे है। तुम लोग बहुत घटिया हो भाई। कोई बात नहीं, ज्योती और मुस्तकीम को पहले ही मैं घर खाली करने का कह चुका हूँ, बस उनके जाते ही मैं 1-2 दिन में ढील कर दूंगा। मैं उन्हें अभी निकाल कर आता हूँ। यार नबील, अगर ये डील हो गई तो ये आज तक की हमारी सबसे बड़ी डील होगी। महमूद साहब ये आपकी डील नहीं है, मेरी है यार। आप तो 50,000 रुपया मांग रहे थे यार। इतना बड़ा मुंह और डिमांड इतनी छोटी। नबील देखो मेरे मुंह पे मत जाया करो तुम। ओ यार मुंह पे ही जा रहा हूँ, कौन सा बाप पे जा रहा हूँ। ओ चिल करें भाई। अरे यार हम लखपति होने वाले और इस वक्त मैं आपके साथ लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। देखो नबील मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, 50-50 होगा बस। अच्छा चले यार, खुश हो जाए, कभी तो खुश हो जाए कर मेरे सौतेले बाप। ये चीज इतना बड़ा हुब का तवीज। नीला जमीला जमीला खूबसूरत माँ जी। ओ ये वक्त मेरी तारीफों का नहीं है। बड़ी खतरनाक बात पता लगी है मुझे अभी। क्या महमूद साहब का अफेयर? तो फिर क्या पता चला है आपको? ओए मुझे ना तकिए के गुलाफ के अंदर हुब का तवीज मिला है। एडा वड्डा तवीज लाए दिखाए जरा। माँ जी ये तावीज नहीं है। हाय, तो क्या इश्फाक ने अपना लव लेटर छुपा के रखा था तकिए के नीचे? पढ़ के बता जरा। माँ जी ये घर के कागजात हैं जोजी आंटी के, जो चोरी हो गए थे। उशे। अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या। हाँ। ओए तुम लोगों से तो कहा था कि 4-4 जोड़े रखना, तुम लोगों ने पूरे पूरे सूट केस भर लिए। चलो इसमें 2 सर्दियों के और 2 गर्मियों के सूट रखो, बाकी निकालो। गोगा भाई खिजा और बाहर में हम क्या करेंगे? पत्ते बांधना। अरे कमाल बात कर रहे हैं गोगा भाई, कम से कम हमारी मार का तोला रहा शायरी का दीवान तो हमें ले जाने दीजिए, आपके किस काम का? मैंने रद्दी में भेज देना है, 1,000-2,000 रुपए उसके भी तो मिल ही जाएंगे ना। हम कोर्ट में आपके खिलाफ जाएंगे गोगा भाई। और दूल्हा भाई कागजात घर के मेरे पास है, बताओ नबील। मुस्लिम साहब क्यों लंबी कर रहे हैं यार, आपका बुलबुले का सफर यहाँ तक ही था। नहीं नहीं मैंने नहीं जाना कहीं, इस घर से तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती। ले फिर अब बता जाएगी या नहीं जाएगी? गोगा भाई प्लीज खून खराबा ना करें, ये आपकी बहन है। ओए मालूम है मुझे, ये मेरी बहन है, इसे गोली नहीं मार सकता लेकिन इसके शौहर को तो मार सकता हूँ ना। जे तो तू इनको गोली मार के तो मुझे इस घर में रहने देगा तो सौ बिस्मिल्लाह कर। अरे जोजी बेगम आपको तो पता हम आपके साथ कितने फर्मा बरदार है, इन्होंने तो गोल्डन ऑफर दी थी हमें खान समा की लेकिन हमने ठुकरा दी आपके प्यार में। अच्छा है गल है, चल फिर मुस्तकीम कट्ठे ही निकल गए। ओके बाय बाय। एक मिनट जोजी आंटी, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये रहे आपके घर के कागजात। अफ्तखार के तकिए के गुलाफ के अंदर थी, अब इसको फड़ मोजा कर। ओए ये था तेरा महफूज मुकाम। अब मिल गए कागजात मिल गए। मुबारक हो जोजी भाई। ओए तुम लोग तो मेरे साथ थे। तेरे साथ थे का बच्चा, निकल यहां से दीवानी हो गए। ओ चलो बाहर निकालो इसको, निकालो बाहर इसको, चलो चल बाहर चल बाहर। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। ओ चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी बबल।
देखते देखते आ गया PSL 9, और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली।